सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मध्य प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण तो है ही, साथ ही यहाँ के मनोरम नज़ारे काफी लुभावने होते हैं। अब इसे दूर बैठकर भी जान सकेंगे क्योंकि ये अद्भुत नज़ारे विद्या बालन की आने वाली फिल्म शेरनी में देखने को मिलेंगे। इस फिल्म की मार्केटिंग में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड साझेदारी कर रहा है। राज्य के पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि फिल्म शेरनी को मध्य प्रदेश के वास्तविक और मनोहारी जंगलों कान्हा नेशनल पार्क, रायसेन की भूत पलासी और बालाघाट के आसपास के क्षेत्रों में शूट किया गया है। आपको बता दें कि फिल्म शेरनी का वर्ल्ड प्रीमियर कल यानी कि 18 जून को 240 से अधिक देशों में अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों को रूबरू कराने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड शेरनी फिल्म के निर्माताओं के साथ सिम्बायोटिक मार्केटिंग और प्रमोशन कैंपेन में भागीदारी कर रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में #MP की शेरनी के साथ फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें मानव जाति और जानवरों के बीच संघर्ष के जटिल मुद्दों की खोज की जाती है। फिल्म में अभिनेत्री विद्या बालन एक मध्य स्तरीय वन अधिकारी की भूमिका निभा रही है जो कई बाधाओं और सामाजिक दबावों के बावजूद भी अपनी टीम और स्थानीय सहयोगियों के साथ पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है। फिल्म एक संवेदनशील विषय से संबंधित है जो न केवल मानव पशु के बीच बल्कि मनुष्य के बीच भी सम्मान, आपसी समझ और सह अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को छूती है। शुक्ला ने आगे बताया कि जब हमने पहली बार शेरनी की कहानी सुनी थी तब से हम जानते थे कि यह मध्य प्रदेश के जंगलों की सुंदरता और विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शन करने का उपयुक्त वाहक होगा। वन संरक्षण और पर्यटकों को रोमांचक वन्य जीव पर्यटन का अनुभव कराने के लिए वन विभाग का भी पूरा सहयोग मिला है। उन्होंने बताया कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, अभिनेत्री विद्या बालन और फिल्मकार अमित मसूरकर टी सीरीज और अबुदंतिया एंटरटेनमेंट के साथ साझेदारी करके उत्साहित है। फिल्म निर्माण में सहयोग देने वाले सहायक वन संरक्षक रजनी सिंह ने कहा कि यह साधारण बात नहीं है कि हमें शेरनी जैसी कहानियों का हिस्सा बनने का मौका मिला है जो पर्यावरण और विकास और मानव पशु संघर्ष प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखने जैसे मुद्दों पर चर्चा करती है और उसे समाज के सामने लाती है। फिल्म शेरनी में मुख्य किरदार निभा रही अभिनेत्री विद्या बालन ने मध्य प्रदेश में शूटिंग के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के जंगलों में वास्तविक और लाइव स्थानों पर फिल्म की शूटिंग करना मेरे लिए नया अनुभव रहा है। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और विरासत ने फिल्म की कहानी को एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान की है। उम्मीद है कि फिल्म को देखना दर्शकों के लिए एक अनूठा अनुभव होगा। इसके साथ ही विद्या ने बताया कि उन्हें मध्य प्रदेश में शूटिंग करने में बहुत मजा आया है और यहाँ के लोगों में मिलनसार व्यवहार ने इसे और भी खास बना दिया है।